उसमें देखिए यहाँ पर शाओमी ने अपना चाइना में लॉन्च कर दिया है Mi 6X। तो यहाँ पर जो है पहले की तरह जैसे कि 5X लॉन्च होता था, तो यहाँ इंडिया में आया था Mi A1 के नाम से। तो यहाँ पर जो है ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा Mi A2 के नाम से। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ जब ये फोन इंडिया में आएगा तो आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। स्पेसिफिकेशन वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ फोन कैसा होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी, तो अगर आप Redmi Note 5 Pro को देखेंगे तो बिल्कुल सेम बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। पीछे आपको मतलब मेटल बिल्ड आपको देखने को मिलेगी, ऊपर और नीचे जो एंटीना बैंड्स वाला एरिया वहाँ आपको मिलेगी प्लास्टिक। पीछे डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, बीच में होगा फ्लैश दोनों कैमरा के और रियर में ही होगा फिंगरप्रिंट सेंसर। फ्रंट में आपको मिलेगी एक 5.99 इंच फुल एचडी प्लस 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले जिसमें होंगे कम बेजल्स और देखने में बहुत ज़्यादा दोनों फोन्स आइडेंटिकल होने वाले। तो लुक्स वाइज जो फोन है वो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है Mi A2 आपके लिए। और जो बाकी परफॉर्मेंस में जो है यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपको Qualcomm का Snapdragon 660 प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है और जो Adreno का 512 GPU है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो CPU और GPU परफॉर्मेंस है वो अपग्रेड की गई है। बाकी यहाँ पर जो रैम रोम है वो है यहाँ पर 4GB 64GB एक वेरियंट है, 6GB 64GB दूसरा वेरियंट है और 6GB 128GB तीसरा वेरियंट। तो यहाँ पर तीन वेरियंट्स Mi A2 के आपको शायद देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर इंडिया में। और यहाँ अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ बैटरी आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है। ये जो बैटरी है वो है 3010 mAh की। ऑब्वियसली यहाँ पर इस बैटरी जो कैपेसिटी वो बताने से पहले उन्होंने जो अपने लॉन्च इवेंट में सबसे पहले बताया था कि हमने जो फ़ोन है वो पतला बनाया है 7.3 mm आई थिंक थिक उन्होंने बताया था फ़ोन जो काफ़ी पतला होगा, ताकि आगे वो बता सके कि हमने जो बैटरी है वो कम की है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनसेट किया है उन्होंने लॉन्च इवेंट में ये बताने में। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर Qualcomm का क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट हालांकि आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कम बैटरी अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कम बैटरी के साथ यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा काम। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस फोन में कैमरे की, क्योंकि यहाँ पर लॉन्च इवेंट सबसे मतलब आधे से ज़्यादा टाइम जो है इस फोन के कैमरा को फोकस करने में लगाया था, यहाँ पर कंपेयर भी किया था काफ़ी फोन्स के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रियर में आपको कैमरा मिलता है वो बोलता है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है वो है 12 MP का सोनी IMX486 सेंसर वाला कैमरा जिसका अपर्चर है f/1.75 और जो पिक्सल साइज है वो है 1.25 माइक्रोन पिक्सल्स का। तो यहाँ पर जो लो लाइट इमेजिंग बहुत अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रियर कैमरा से। वहीं जो सेकेंडरी कैमरा वो है 20 MP का कैमरा जिसका जो सेंसर है वो है सोनी का IMX376 और यहाँ पर जो अपर्चर है वो सेम है f/1.75, ये भी लो लाइट में काम करेगा काफ़ी अच्छा। और जो पिक्सल साइज है वो है 2.0 माइक्रोन पिक्सल्स का और फ्रंट में आपको मिलता है एक 20 MP का कैमरा सॉफ्ट LED लाइट के साथ। यहाँ पर जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर सॉफ्ट लाइट आपको काफ़ी काम में आएगी रात में अगर आप फोन को अपने चेहरे से अनलॉक करेंगे तो। रियर में भी आपको मिलता है डुअल टोन डुअल LED फ्लैश। तो यहाँ पर कैमरा वाइज ये फ़ोन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, Redmi Note 5 Pro से भी अच्छा आपको ये शायद कैमरा परफॉर्मेंस देने वाला है ये फ़ोन। और अगर हम आगे बात करें इस फ़ोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ प्राइसिंग काफ़ी रीजनेबल रखी गई, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर ऑल Xiaomi है तो रीजनेबल प्राइस तो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर चाइनीज़ युआन थी वो अगर इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको अप्रॉक्स पड़ता है 17,000 का, 6GB 64GB वाला पड़ता है 19,000 और 6GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिलते हैं 21,000 इंडियन रुपीज़ में। हालांकि यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होते हुए शायद इसकी प्राइस थोड़ी कम हो सकती थी। यहाँ पर जो पहला वेरिएंट है वो मिले 16,000 रुपीज़ का, दूसरा मिले आपको 18 का और जो लास्ट 6GB 64 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको शायद देखने को मिल सकता है 20,000 रुपये में। तो काफ़ी अच्छी प्राइस होगी, अफोर्डेबल प्राइस पे ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड ये थे इस फोन के स्पेसिफिकेशन। अब बात ये है कि आने का टाइम तो थोड़ा दूर है, यहाँ पर मई में आपको ये फ़ोन मई के एंड तक शायद इंडिया में आप देखने को मिले आपको। तो आई होप यार देखते हैं जब आएगा बाकी सब कुछ सब क्लियर हो ही जाएगा। बाकी ये फ़ोन जो आपको एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ भी मिलेगा, यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड आपको वो डेफिनेटली मिलने वाला है Mi A1 की तरह। तो ये फ़ोन डेफिनेटली बाकी बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है इस Mi A2 के बारे में, क्या आपको Mi A1 से बेटर लगा। यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जो कि हमें नोट 5 प्रो में देखने को नहीं मिलता है। तो बाकी यार ये नोट 5 प्रो से बेटर होने वाला है। ये थे कुछ स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में, इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो पसंद है डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा तुम्हारे से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ ही दोबारा मिलेगा एक बेल आइकन से, तुम्हारे से जब मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और मिस भी मत किया करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।